मेरे भारतवर्ष के सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, मजा में छो भाई? आज मैं आया हूँ ये मिल में। ये मिल ऐसे वैसे मिल नहीं है भाई, ये गेहूँ पीसने वाले मिल नहीं, ये है काट, लकड़ी को ला के यहाँ पे उसको पीसेस किया जाता है, मतलब काट मिल है। और हम लेने आए हैं भूसे। मैं आपको बता दूँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स, जब आपका चूजे बड़ा होता है, जब 700 से 800 ग्राम का होता है भाई, तो आपको राइस हस्क नहीं डालना है। इंस्टेड दैट उसके बदले में आपको ये वाला भूसे डालना होता है। अब बताइए क्यों? क्योंकि ये करते हैं आपका जो सीट होता है, जो टट्टी करते हैं आपका जो चिकन, बहुत मात्रा में आपके फार्म में टट्टी वट्टी भी साफ करते हैं, तो उसको ये आराम से ऑब्जर्व करते हैं और कोई गंद नहीं होता इस बूस लगाने से। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको दिखा दें। ये देखिए हमारा कार लगा है और ये दो भाई साहब हमारे बूस को लोड कर रहा है। अगर आपके यहाँ भी आसपास में कोई ऐसा मील हो तो आप भी जाके ले सकते हैं। हमने लास्ट टाइम फ्री लेके गया था, इस टाइम थोड़ा 100 रुपये एक बोरा का करके लिया है, जैसे कि देख सकते हैं आप भाई लोड हो रहा है गाड़ी में। अब इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा फीट उठाने के लिए, 2 वरी फीट, और फिर हम जाएंगे घर। भाई आशा रखता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। ये छोटा सा वीडियो था आपके नॉलेज के लिए कि आपको कौन सा भूस डालना चाहिए जो आपके फार्म में गंदगी हटा सके। मतलब अगर ये भूस डालने से फार्म में कोई गंदगी नहीं होगी भाई, ठीक है ना? तो आप भी अगर आसपास में कोई एरिया हो, आप भी दुर्गंध से परेशान हो, तो इस क्वालिटी का भूस डालिए। आप भी अपने फार्म में भाई कोई गंद नहीं होगी और आपकी चिकन भी हेल्दी रहेगा, एक दूसरे का काटेगा नहीं, आराम से चिकन आपस में खेल के बड़ा हो जाएगा, पूछ उछ भी नहीं कटेगा। हाँ, क्योंकि गंदी नहीं होगी, तो गंद होने से क्या होता है, मुर्गियाँ भी बीमार होने लगता है, तो आपका मुर्गा जो है बीमारियों से भी बच जाएगा भाई। बस भाई आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। बस भाई को दुआ में याद रखना और चैनल को भाई ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत आभारी रहूँगा भाई आप लोगों की, और अपने किसान भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।